देखो ये क्वेश्चन है एनडीए का, 0 to 1 इंटीग्रल एक्स टू दी एम इंटू 1 माइनस एक्स टू दी एन डी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 एक्स टू दी एन इंटू 1 माइनस एक्स टू दी एम डी एक्स द वैल्यू ऑफ के। देखो एग्जामिनर हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो हमसे चाह रहा है कि आप प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी आपको डेफिनेट इंटीग्रल का पता होना चाहिए। क्वेश्चन उसने ऐसा सेट किया है कि मैं उसे वो प्रॉपर्टी वाला भी तरीका बता देता हूँ और दूसरा बिन गैर प्रॉपर्टी के भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, मैं क्वेश्चन को उसके पर्पस को डिफीट कर देता हूँ। देखो आप कैसे, वो कहता है कि एक्स टू दी एम इंटू 1 माइनस एक्स टू दी एन, हम क्या किया एम इजकल टू एन रख लिया, ठीक है एम इजकल टू एन। अब हम एम इजकल टू एन रखेंगे तो ये देखो एक्स टू दी एम और ये एक्स टू दी एन दोनों बराबर हो जाएंगे, कट जाएगा ठीक है। सिमिलरली 1 माइनस एक्स टू दी एन और 1 माइनस एक्स टू दी एम कैंसिल हो जाएगा। एम और एन के बारे में कुछ नहीं दे रखा है इसलिए हमने क्वेश्चन को एक्सप्लोइट करने के लिए ये कर लिया, ये देखो दोनों कट दिया, ये देखो इंटीग्रल 0 to 1 डीएक्स हो गया, ये भी देखो इंटीग्रल 0 to 1 डीएक्स हो गया, तो एक के क्या हो जाएगा नेचुरली 1 हो जाएगा, दोनों तरफ सेम है तो के को 1 होना होगा ठीक है, तो के इज इक्वल टू 1। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप देखो कि a प्लस बी माइनस एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी पढ़ते हो तो a प्लस बी माइनस एक्स, तो इसको करोगे तो a प्लस बी 1 प्लस 0 1 माइनस एक्स, तो क्या फाइनली बन जाएगा 1 माइनस एक्स टू दी एम इंटू 1 माइनस, सिमिलरली ये भी क्या बन जाएगा x के जगह 1 माइनस एक्स ठीक है टू दी n dx ठीक है, ये हो गया 0 to 1। फिर इसे लिखेंगे तो 0 to 1 1 माइनस एक्स टू दी एम, और ये देखो माइनस यहाँ करेंगे तो माइनस 1 और प्लस एक्स, तो 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस एक्स टू दी एन डी एक्स, ये देखो यही चीज तो लिखा हुआ है ठीक है, तो ये कट जाएगा आपस में के इक्वल टू 1 आ गया ठीक है, एलएचएस में ये आ गया जो कि इसके बराबर है तो के 1 ठीक है। आप ये देखो हमेशा एग्जाम में हमेशा वो अप्रोच लगाना जिससे क्वेश्चन तुरंत हम आंसर तक पहुंच जाए और कॉन्फिडेंस के साथ है। मान लो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी मिलेंगे जो आपको बहुत जल्द सॉल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको उलझाएंगे, तो वो सब क्वेश्चन के लिए टाइम सेव करना है। ऐसा नहीं कि एवरेज लेना है कि 100 क्वेश्चन पूछा है 3 घंटे समय है तो हर क्वेश्चन में बराबर टाइम देना है ठीक है, तो ये चीज आप नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन में समय ज्यादा लगेगा, कुछ क्वेश्चन में समय कम लगेगा, वो कम समय कैसे लगेगा वो आप तय करेंगे क्वेश्चन को पढ़ करके और अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके। हमने आपको इसमें 2 तरीके बता दिए क्वेश्चन सॉल्व करने का ठीक है, तो आप ऐसे अप्रोच डेवलप किया करो।